बहुत ये टेस्टी है, लुक एट दिस। आपने कभी ये टेस्ट किया है क्या? मेरे साथ में तो जरूर शेयर करोगे, है ना? चिकन चिली। क्या आपको किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद ऐसा लगा है कि आप फुल्ली लोडेड हो, या किसी आउटलेट में जाके ऐसा लगाओ कि यार एकदम पेट भर के खा लिया? अगर ऐसा कभी लगा है, आज के वीडियो में ना आपको इसी तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। ये कैफे है फुली लोडेड, जैसे कि आपने देख ही लिया। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही वैरायटी का खाना। अगर आप फूडी हो तो यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेट फुली लोडेड। अंदर जाके उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ को चेक करेंगे। और मैं हूँ यहाँ पे, ये लोकेशन है दादर। जैसे कि आपको पता ही है, दिस इज नोन फॉर वेरी क्राउडेड स्टेशन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। जैसे कि ये कैफे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, योर यू हैव एसी सेक्शन अंदर, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यू हैव द फर्स्ट फ्लोर आल्सो। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे आउटडोर सेटिंग। सो दिस लोकेशन जो है, इसका मैं शेयर करने वाली हूँ इन द कैप्शन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दादर स्टेशन। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ सबसे पहले यहाँ पे फ्राइज, बेवरेजेस और बहुत कुछ। एंड गेट फुल्ली लोडेड हियर। ये मेरा पहले ऑर्डर है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे मिलता है फ्राइज। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये जस्ट आउटडोर सिटिंग है। तो यहाँ पे आप ओपन कैफे में बैठ के आउटडोर सिटिंग में अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। और ये दादर में लोकेशन, तो दादर का ये कुछ नया कैफे है जहाँ पे आपको ऐसे आउटडोर सिटिंग मिलता है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड इन दादर। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले फूड को चेक करते हैं। तो दिस इज फ्राइज। ये जो प्लेस है वो फ्राइज के लिए काफ़ी फेमस है। यू गेट फास्ट फूड काइंड ऑफ थिंग। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया ग्रिल, दिस इज बारबेक्यू फ्राइज। अगर आप में से किसी ने बारबेक्यू फ्राइज ट्राई किया है तो डू लेट मी नो, वो तो आप मेरे साथ में शेयर करोगे ही, है ना? अगर ऐसे कुछ अच्छे कैफेज आपको पता है जो दादर में, प्लीज शेयर इट विथ मी। ये मुझे कुछ ऐसा कैफे यहाँ दादर में पहली बार आउटडोर सेटिंग का मिला है। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। बहुत सारा यहाँ पे
ऊपर जो है चिकन है, इट्स अ बारबेक्यू चिकन एंड दिस इज़ अ नॉन वेज फ्राइज। तो बारबेक्यू चिकन जो है इसके ऊपर बहुत सारा कीमा करके चिकन को डाला हुआ है, बहुत ऊपर जो है गार्निश किया हुआ है हैलेपेनो। अब इसको फटाफट से ट्राई करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज इनके सारे जो सॉस है वो इन हाउस है। नॉट टू मिस ट्राइंग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो यहाँ पे वेज भी मिलता है, सो यू कैन ट्राई, यू हैव अ चॉइस ऑफ वेज एंड द नॉन वेज बोथ हियर। काफ़ी टेस्टी है ये। टू गेट नॉन वेज इज़ वेरी रेयर विद द फ्राइज, कभी फ्राइज को नॉन वेज के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके देखना, बहुत ये टेस्टी है। लुक एट दिस, द वे इट लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग। अमेजिंग, इसको तो मैं खाती रहूँगी। सो दिस इज माई नेक्स्ट ऑर्डर, इसका आप लुक देखो, दिस इज हवाईन सोया चाप। ट्राई करके देखते हैं, चाप तो वैसे हर जगह पे मिल जाता है बट दिस इज हवाइन चाप। तो देखते हैं कि इनका जो सॉस है, दिस इज लाइक माइंड ब्लोइंग। इसमें है कैप्सिकम और चाप, और लाइव ग्रिलिंग ये करके आपको यहाँ पे ये सर्व कर, काफी बड़ा पीस लेके ट्राई करना चाहिए। ग्रिल तो ये है ही, काफ़ी स्मोकी फ्लेवर है इसका ग्रिल का, एंड लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सिकम और सोया के साथ में ये सर्व हुआ है, लाइक टेस्टिंग वेरी गुड। आई थिंक इनका सॉस है जो विच मेक्स इट क्वाइट डिफरेंट। एक और डिश मैं यहाँ पे ऑर्डर करने वाली हूँ एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हाउ इज गोइंग टू टेस्ट। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर नॉन वेज में, यहाँ पे जो ग्रिल चीज़ है वो आप नॉन वेज भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसका जो लुक है, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज अ पाइनएप्पल, मतलब ये जो सोया चाप आपको सर्व करते हैं उसमें आपको कैप्सिकम, सोया चाप एंड यू गेट अ पीस ऑफ पाइनएप्पल ऑल्सो। वाओ, तो ये मैंने ऑर्डर किया है पोमीग्रेनेट मोहितो, जो कि मुझे तो काफ़ी यूनिक यहाँ पे लग रहा है। आपने कभी ये टेस्ट किया है क्या? मेरे साथ में तो ज़रूर शेयर करोगे, है ना? ब्रेकफास्ट भी मिलता है, यू कैन ऑर्डर स्टार्टर्स, यू कैन ऑर्डर फास्ट फूड और यू कैन ऑल्सो ऑर्डर कॉन्टिनेंटल। तो ये मैंने नेक्स्ट मील ऑर्डर किया है, चिकन चिमचूरी। यहाँ पे ये चिकन ब्रेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर्टेड वेजीज और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्मैश्ड मैश्ड पोटैटोस, अलग नाम है ये। सो दिस इज़ लाइक कंप्लीट मील, इट्स कंप्लीट प्रोटीन डाइट। तो इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बना है। यहाँ पे ये जो आपको ग्रेवी दिख रही है, दिस इज़ ग्रीन, इसकी ग्रेवी में ये बना है। तो ये जो ग्रीन है इसका सॉस, ये पार्सले को लेकर बनाया गया, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो पार्सले, दैट्स व्हाई इट लुक्स ग्रीन।
इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। मैश पोटैटोज के साथ में इसका कॉम्बिनेशन आता है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई रेड येलो बेल पेपर्स, ब्रोकोली एंड जुकीनी। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये आप देखो, ये पूरा पार्सले का सॉस है एंड दिस इज लाइक, इसको सॉस में डिप करके यू कैन एंजॉय दिस। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिलैक्स हियर इन दिस कैफे, एंजॉय कॉफी, क्योंकि यहाँ पे कॉफी भी आपको मिलेगी। एंजॉय करने वाली हूँ मेरा मील। But I'll see you next time with some unique restaurants, cafes and food outlets in Thane and Mumbai. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.